टीम इंडिया ने टॉस हरा कर दिया पलटवार, तोड़ डाली वेस्टइंडीज की कमर। रोहित शर्मा की कप्तानी पड़ गई वेस्टइंडीज पर भारी। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक मानते हैं तो हमारी इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच विंडसर पार्क में खेले जा रहे फर्स्ट टेस्ट मुकाबले की, जिसमें वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आई वेस्ट इंडियन टीम के कप्तान किंग ब्रैथवेट और उनका साथ निभाने टी चंद्रबोल मैदान पर उतरे। दोनों ने मिलकर 30 रनों की अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन तभी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 13वां ओवर रविचंद्र अश्विन को सौंपा और फिर पहली ही गेंद पर अश्विन ने टी चंद्रपोल को बोल्ड मार दिया। टी चंद्रपोल मात्र 44 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन पहुंच गए। थोड़ी देर बाद फिर रोहित शर्मा ने रविचंद्र अश्विन को 17वां ओवर करने के लिए बुलाया और ओवर की तीसरी बॉल पर वेस्टइंडीज के कप्तान किंग ब्रैथवेट को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, कुछ देर बाद शार्दुल ठाकुर ने रोमन रेफर को कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। रायन रेफर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली अत्यधिक खुश भी दिखाई दिए। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है विराट कोहली सीरीज में कितने शतक बनाने में कामयाब रहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।